बुद्ध, मन तृप्त हो गया ये दर्शन पा करके। नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो सुप्रभात दोस्तों, और हम बुद्धि से लगभग मेरे ख्याल से 5-7 किलोमीटर पहले हैं, जो मेरे को आइडिया है। बट इस जगह का नाम अभी बिल्कुल मैं आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि रास्ते सब बदल चुके हैं, टोटल रास्ते चेंज हो गए हैं। और बाकी जो है, पेट्रोल की टंकियाँ तो आधी खाली हो चुकी हैं। मतलब ये पेट्रोल शायद अरेंज करना पड़ेगा मैं गुंजी वगैरह से, क्योंकि दिक्कत हो सकती है पेट्रोल की। फर्स्ट गियर में हम लोगों को गाड़ी चलानी पड़ रही है, अपनी बाइक राइड करनी पड़ रही है। और नारायण आश्रम जो हम गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा रास्ता ख़राब था, इस वजह से दिक्कत हुई बहुत ज़्यादा। तो पूरा अपडेट आपको मैं दूंगा, जुड़े रहिए स्पिरिचुअल हिमालय यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, अभी सुबह के बजे हैं 7 और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है यहाँ पर। और अब हम चल दिए हैं बुद्धि की तरफ। नीचे आप देखेंगे लमारी गांव, छोटा सा गांव है, थोड़े से इसमें घर है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये नीचे आप जो गांव देख रहे हैं, लमारी है। और बहुत ही छोटा सा, बड़ा ही प्यारा सा गांव है, बिल्कुल काली नदी के बराबर में। That is Umbrella Fall. We have reached at Umbrella Fall, friends. इतनी तो तुम्हारी बकरी भी नहीं डरती जितना तुम डर गए। पीकल एट अ टाइम। तो दोस्तों देखिए, वो पुराना पुल हुआ करता था जो आप देख रहे हैं, और ये पुल है बुद्धि से पहले जो पुल आता था। वो आपसे पुराने वाला ट्रैक देख रहे हैं, देखिए वो पुराने वाला ट्रैक है बुद्धि से। तो अब हम बुद्धि पहुंचने वाले हैं। यहाँ से इस वाले पुल से हम राइट साइड पे हो जाते थे, और बहुत ही 1 से 1.5 फुट वाला रास्ता हुआ करता था। तो दोस्तों, मैं अभी पहुँच चुका हूँ बुद्धि, आप देखिए। और अब हमें आगे जाना है गुंजी की तरफ। तो बुद्धि का ये गांव है, 2014 और 2016 की यादें दोबारा से ताज़ा हो रही हैं सारी की सारी। तो ये भाई साहब हम मिले थे रास्ते में कल, इनकी जो है गाड़ी भाई साहब की ख़राब हो गई थी, बड़े परेशान थे। रात को 8:30 बजे के लगभग मिले थे पीछे हमें। तो बाकी फाइनली भाई साहब पहुँच गए। कितने बजे पहुँचे? 2 बजे। ओ भाई साहब, रात को 2 बजे पहुँचे हैं। तो यार देखो, टफ ट्रेन हैं, रोड सभी ऑफ रोड हैं, सारा पूरा दिक्कत है। थोड़ा केयरफुली आपको आना है, अगर जो आना भी है तो पूरी तैयारी से आए,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान से करके आएँ, सारे टूल्स वगैरह गाड़ी के रख लें और स्पेयर ज़रूर रखें। सामने आप देखिए जो है चिया लेक का रास्ता, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है चिया लेक की, और खड़ी ही जो है सड़क भी बनाई गई है। आप देख सकते हैं नीचे उसी सड़क से मैं ऊपर आया हूँ, और वो सड़क सीधा जा रही है बुद्धी, बहुत ही सुंदर घाटी। माँ अन्नपूर्णा के दर्शन कीजिए दोस्तों, सामने माँ अन्नपूर्णा है और अन्नपूर्णा रेंज का विहंगम दृश्य आप जो है का आनंद ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और नीचे देखिए काली नदी अपने स्वभाव में बहती हुई, और नीचे देखिए वो रहा बुद्धी गांव, नीचे आप देखिए। अरे क्या हुआ, कैसे खड़े हो, क्या हुआ, गाड़ी आ गया, नीचे उतर गए। मौसम टूट गया, मौसम टूट गया पूरा। वो मैंने रोकनी नहीं चाहिए थी गाड़ी, वो मुझे रोकनी नहीं, नीचे से ला रहा था मैं बहुत पिकअप बना के, वो मैंने आप लोगों के लिए रोक ली, मेरे को पता नहीं कैसे पैदल चल रहे हो। गाड़ी दोनों कब से हम लोग धक्का लगा लगा के आ रहे हैं। अच्छा जी, कब से, कितनी बार आई, कितनी बार रुकी, कितनी बार कितनी बार। हाँ है तो, लेकिन मैं नीचे रुकने नहीं थी, मैंने पिकअप बना के रखा गाड़ी का पूरा, एक भी जगह रोकी नहीं मैंने, यहाँ आके वो थोड़ा सा रोक ली ना, रुक के पिकअप खत्म हो जाता गाड़ी का। हेलो, क्या हुआ, धक्के दे रहे हो, लगाओ धक्का जोर लगा के, ऐसा बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। जय बोले की, जय बोले की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो निकालो आगे, चलो चलो चलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम पहुंच चुके हैं चिया लेक, जो कि बहुत ही सुंदर घाटी के नाम से फेमस है, और यहाँ पर अनेकों प्रकार के जो है जंगली फूल हुआ करते थे, जो कि अपने आप ही उगाते हैं, बहुत ही सुंदर फूल हुआ करते थे। तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, देखिए चिया लेक का जो है जहाँ पर हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट होता, बुद्धि से हम चलते थे, और बुद्धि से चलने के बाद 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई, जिसमें कि करीब करीब 2 घंटे लग जाते थे, और उसके बाद हम यही कैंप में पहुँचते थे, यही अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट चिया लेक, देखिए आप सामने।
यहाँ पर हम पहुँचते थे और यहीं पर दोस्तों फिर हम नाश्ता करते थे, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते थे। देखिए दोस्तों, अन्नपूर्णा रेंज सामने, पूरी हिमादित पर्वत श्रृंखला अन्नपूर्णा, और ये है दोस्तों चिया लेक। चिया लेक का 360 व्यू आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल हिमालय यूट्यूब चैनल से, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ चिया लेक के मंदिर में ऊपर, भाग के आया हूँ, सांस चढ़ गया। और ये नीचे चिया लेक का विहंगम दृश्य देखिए। बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई, बहुत ही केयरफुल्ली बाइक को नीचे उतारना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ अभी गरबियांग गांव में, और आपको देखिए सामने बिल्कुल मेरे बैकग्राउंड में आप जो गांव देख रहे हैं वही गरबियांग गांव है। इस गरबियांग गांव को सिंकिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है, काफी लोगों ने उसको छोड़ भी दिया है गरबियांग गांव को, कि वो लगातार धस रहा है जमीन पे। दोस्तों देखिए सामने आप जो पुल देख रहे हैं वो पुल है इंडिया को और नेपाल को जोड़ता है ये पुल, और सामने आगे बहुत ही सुंदर मंदिर और सामने बहती हुई काली नदी। हर हर महादेव। पहुंच ही गए यहां तक। सुबह जो है मतलब लंच दिया जाता था इस जगह। आप सोच के देखिए कि हम जब लोग बुद्धि से चलते थे और बुद्धि से ब्रेकफास्ट दिया जाता था चिया लेक में, और उसके बाद यहाँ पर लंच होता था हमारा। यादें ताजा हो गई हैं सारी की सारी। और ये हमारे कैलाशी भाई लोग सब ये साथ साथ ही चल रहे हैं, अपने कार से लेके आए हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय करे वीर बजरंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है गुंजी के पहाड़ और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब। तो दोस्तों सामने देखिए गुंजी नज़र आ रही है, तो फाइनली हम गुंजी पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों देखिए हम पहुंच चुके हैं गुंजी, और गुंजी में आपको सामने नज़र आ रहा है गुंजी गांव, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक गांव है और भारत तिब्बत व्यापार का अहम जो है पड़ाव हुआ करता था। और गुंजी जो है दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी अहम पड़ाव है। तो दोस्तों देखिए ये पुराना पुल है, और ये गुंजी के रेतीले टीले आप देख रहे होंगे, यहीं से जो है देखिए वो यहीं से हम लोग जाते थे। ओह रुक जाओ जी, रुक जाओ, एक मिनट, ओके, मुझे तो बहुत संभल के रोकने वाली चीज है यहाँ पर। चलो तो यहाँ पर दोस्तों आपको रुकने की ठहरने की सुविधाएं भी मिल जाएंगी देखिए, और रेस्टोरेंट का लगातार और रुकने के लिए। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं जो गुंजी से
काला पानी की तरफ, जो कि 9 किलोमीटर है, और फिर वहाँ से जाएंगे हम नाबिढांग। मेरे राइट साइड पे जो है अन्नपूर्णा रेंज है, आप देख सकते हैं वो सामने अन्नपूर्णा रेंज है, और लेफ्ट साइड पे जो है देखिए पूरे माउंटेंस हैं, ऊंचे ऊंचे हाई माउंटेंस हैं। बना दिया गया है, पहले इसको हम ऐसे ही क्रॉस करते थे, और बहुत ही सुंदर नज़ारा। हर हर महादेव। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अभी काली माता मंदिर, और जय हो। देखिए दोस्तों ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही सुंदर यह भव्य मंदिर माँ काली का। इसी स्थान पे माँ काली नदी का जो है, काली नदी का उद्गम होता है, और यही काली नदी जो है आगे चलकर विराट रूप ले लेती है, दिव्य रूप ले लेती है। तो आइए करते हैं दर्शन माँ काली माता के मंदिर के। ये आप जो ऊपर ये पेड़ देख रहे हैं, ये भोजपत्र के पेड़ है दोस्तों। थोड़ा दर्शन कराओ पानी के, उद्गम हो रहा है। जय महादेश। काली माता की जय। काली माता की जय। हर हर महादेव। ये उद्गम स्थल है, देखिए आप, ये है दोस्तों। अब आप दर्शन कीजिए, देखिए महादेव के शिवलिंग रूप के दर्शन, काला पानी, काली माता मंदिर से शिवलिंग के बहुत ही भव्य दर्शन आप कीजिए। माता के दर्शनों के बाद बाहर विराजमान है भोलेनाथ का देखिए शिवलिंग, और बाहरी शिवलिंग के विराजमान है नंदी देव। और दोस्तों दर्शन करते हैं हनुमान जी महाराज के सुंदर और भव्य दर्शन। जय हो हनुमान जी महाराज की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शहीद स्मारक, यहां से करिए दर्शन। ओ देखिए ऊपर दोस्तों जो है व्यास गुफा। दोस्तों शीश नाग के दर्शन कीजिए, वो है पुल से जिससे मैं निकल रहा हूँ, बस हम नाबिढांग पहुँचने वाले हैं। आई थिंक 3 या 4 किलोमीटर रह गया होगा नाबिढांग यहाँ से, क्योंकि काफ़ी हम आगे आ चुके हैं काला पानी से। दोस्तों वो सामने आपको नाबिढांग दिख रहा है, वो बिल्कुल सामने नाबिढांग है, और राइट साइड वाले पहाड़ के पीछे ही ओम पर्वत है। लगातार जो है बहुत ही सुंदर दर्शन। शिवाय हर हर महादेव।
तो दोस्तों मैं हूँ नाभी ढांग और KMVN के कैंप में देखिए आप वो माता का मंदिर आपको नज़र आ रहा है देखिए पीछे, और इधर से आप देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे श्री ओम पर्वत के बहुत ही पवित्र और सुंदर दर्शन। देखिए कितने विहंगम दृश्य जो है यहाँ से आप देख पा रहे हैं, और ये है दोस्तों नाभी ढांग। तो दोस्तों करीब 2-2.5 घंटे रुकने के बाद ओम पर्वत पे और भव्य दर्शनों के बाद अब हम वापस गुंजी की तरफ जा रहे हैं। आज हमारा पड़ाव गुंजी ही रहेगा और कल हम जाएंगे जोलिंगकोंग आदि कैलाश दर्शनों के लिए। जियोग्राफिकल पर्वत है ये, ऐसा लग रहा है जैसे कोई महल टाइप का हो आप देख सकते हैं। और नीचे देखिए कितनी खूबसूरत जो है बुग्याल, नीचे आप देख रहे हैं भेड़े जो है यहाँ पर आई हुई हैं बुग्याल में, और सामने काली नदी बहती हुई, और वो सामने आप देख रहे हैं काला पानी। और देखिए दोस्तों याक जा रहे हैं सामने, आप देख सकते हैं याक है, याक ग्राम पंचायत भवन गुंजी निर्माण, क्या बात है, जल ही जीवन है। पहुंच चुके हैं गुंजी KMVN कैंप, और हमारी बाइक्स देखी यहाँ हमने लगा दी अंदर कैंप में, और बहुत ही यादें जो हैं हमारी, मेमोरीज जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह से चल रहे हैं हम लोग जिस तरह से दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा में हम लोग। हाँ चाय बनवा लीजिए आप, वो भी पहुँचे हैं तो फ्रेश हो लेते हैं। और आज बहुत ही भव्य दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए ओम पर्वत के, ये असीम कृपा थी महादेव की। हर हर महादेव।